मैंने पहली बार देखी, मेरे को इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। जब मैं दूसरी बार देखी तो मेरे से तो रोना ही नहीं रुक रहा था। Okay, big excitement. 83 is coming on Netflix. और depends आप ये शो कब देख रहे हैं। अगर आपने शो रिलीज पर नहीं देखा तो 83 is already on Netflix. ठीक है, अभी मत जाके देखिए, पहले हमारी बातें सुन लीजिए, उसके बाद जाके देखिएगा। मैं हूँ गौरव कपूर और मेरे साथ हैं अ पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। काफी बारी ना लोग ये बोलते हैं फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन दे देते हैं, मैं नहीं दूंगा क्योंकि इनको कोई जरूरत नहीं है, ये लेजेंड है, ये चैंपियन है। कपिल पाजी इज हियर विद मी टू टॉक अबाउट 83। पाजी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू सीन्स। जब आप लोग खाना खाने जाते हैं, डोसा इडली वगैरह, तो ये एक्चुअली पीपल डोंट रियलाइज दिस, पर उस टाइम पे टूर पे बहुत होता था। इंडियन फैमिलीज यूज टू इन्वाइट यू, घर पे खाना खिलाते थे एंड यू आर ऑलवेज हैप्पी बिकॉज पाउंड्स कम मिल रहे हैं, घर का खाना भी मिल रहा है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। एक्चुअली ज़्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते थे, बट अगर दोनों साइड की देखो, बड़ा आराम से कह सकता हूँ कि नहीं, इंडियन जो थे फैमिलीज वो बहुत काइंड थे, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता था। और कभी कभी हमें लगता था यार अब क्या करें, किसी का दोस्त आ गया तो उसको बोलते थे यार आज फिर डिनर, ही सेड यार मेरा फ्रेंड है, इकट्ठे चलेंगे क्या? तो शर्म भी आती थी, पर पैसे ही नहीं थे जेब में तो कहीं से खाना मिल रहा है। आज ये कैलोरीज को देखते हैं, हम खाने को देखते थे। कैलोरीज गई भाड़ में बाबा, कौन कैलोरीज की परवाह करता है, पेट तो भरे। सो वो टाइम बहुत अच्छा था। इज देयर एनी स्टोरी, बिकॉज ऑब्वियसली आप इतनी लंबी जर्नी दिखा रहे हैं 3-4 हफ्ते की, और यू हैव टू शो दैट इन अ यू नो 2.5 आवर फिल्म, वॉज देयर एनी स्टोरी दैट यू रिमेंबर दैट डिडंट मेक इट टू द फिल्म, कोई बड़ी फनी सी या कोई डीप स्टोरी जो नहीं पहुंची? बहुत सारी है। देखिए आप जो हम वहाँ 20-25 दिन रहे, उसको अगर आप 2.5 घंटे में बोलते हैं तो बहुत मुश्किल। सबसे ज़्यादा मज़ेदार हमारी स्टोरी होती थी हमारी बस, वो इस मूवी में 1-2 सीन हैं, बट आई थिंक दैट जर्नी इन द बस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, क्योंकि बस में जब हम जाते थे ना, सिर्फ प्लेयर होते थे एंड उस समय इतनी मस्ती होती थी, मूवी चल रही होती थी, गाने चल रहे होते थे, किसी को कोई मूवी देखनी है और किसी को कोई अलग मूवी देखनी है, कोई एक्शन मूवी देखना चाहता है, कोई पड़ोसन जैसी, ऑल द टाइम। सो बहुत मज़ा आता था, जिसका मौका मिलता था वो अपनी CD उस समय होती थी, जो कैसेट आती थी वो डाल देते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद 3 घंटे में कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जब 83 आपने पहली बार देखी, क्योंकि आपने भी डिसाइड किया था कि आप मतलब फर्स्ट कट नहीं देखेंगे, आप पहला प्रिंट नहीं देखेंगे, आपने डिसाइड किया था कि पूरी टीम एक साथ देखेगी। जी राइट। तो आपने प्रीमियर पे देखी पहली बार फिल्म? जी, जब यहाँ पर मुंबई में किया था उससे पहले मौका मिला था, हम सऊदी में थे, लेकिन मैं और मोहिंदर अमरनाथ साथ में थे एंड वी डिसाइडेड कि नहीं, अगर हमें देखेंगे तो पूरी टीम के साथ देखेंगे। एंड व्हेन द मूवी स्टार्टेड वी बोथ होल्ड ईच अदर्स हेड एंड वी वॉक्ड आउट। हमने कहा नहीं यार टीम के साथ देखेंगे। और जब मैंने पहली बार देखी, यकीन आज मैं पहली बार उसके बाद इंटरव्यू दे रहा हूँ, कि लगा हाँ ठीक है मूवी, मेरे को इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब मैं दूसरी बार देखी तो मेरे से तो वैसे ही मैं काफ़ी इमोशनल हूँ, रोना ही नहीं रुक रहा था कि यार ऐसी मूवी थी, ऐसे हम खेले। तो इसलिए कह सकते हैं कि कबीर, रणवीर, हिज टीम डन अ फैबुलस जॉब एंड आई ऑलवेज सेज टू मी भाग मिल्खा भाग वॉज अ अल्टीमेट स्पोर्ट्स मूवी फॉर इंडियन। आई यूज टू से अगर 50% भी उसके पास पहुंच जाए ना, तो मैं कहूंगा ये मूवी इज अ ग्रेट मूवी। अब बहुत बार ही रोए ना सेकंड? ओ बहुत बार, तीसरी बार तो मैं उठ के वापस आ गया। मैंने कहा अब नहीं मैं देख सकता, क्योंकि देखिए एक आप बचपन की बातें कब तक कर सकते हो, और जब आप अपने साथियों के साथ होते हो वो आपको याद आती है अपनी वो बातें कि क्या किया था। 98% इज ट्रू, इट्स नथिंग। कैरेक्टर चेंज किए, सीन चेंज किए, बट स्टोरी चेंज नहीं हुई। जैसे मैं कह रहा था कि
हम बात कर रहे थे, वो श्रीकांत विंग कर रहा है क्वीन को, वो हुआ था शायद उस जगह नहीं हुआ, कहीं और हुआ था। तो ये इस तरह की वो एक जो बच्चे की स्टोरी थी, वो बच्चा था आप देखेंगे वो बड़ी इमोशनल सा था, पर वो एक वेस्ट इंडियन भी था जो पहले दिन से ही कह रहा था इंडिया विल विन। दोस टाइप ऑफ थिंग्स जब आती है तो आप कहते हो यार हाँ ये कैरेक्टर था और ये ऐसे हुआ था, और ये क्योंकि 40 साल के बाद आप किसी चीज़ को ला रहे हो और वही आई एम गोइंग इन डिटेल नाउ, वही कपड़े वही जूते वही तस्मे वही आपका डाला हुआ कड़ा डाला हुआ मोहिंदर अमरनाथ का रेड हैंकी, ऑल दोज थिंग्स। आई थिंक कबीर डन अ फैबुलस जॉब। यू गाइज ऑल स्टिल हैव वन व्हाट्सएप ग्रुप नो अभी आप सारे जो प्लेयर हैं जी, तो चलिए उसके बारे में मैं दो तीन सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में है ये सबके साथ होता है। गुड मॉर्निंग मैसेज कौन भेजता है? हमारे में दो तीन चीजें हमने आपस में बोली हुई हैं कि प्लीज डोंट डू दैट। या वेरी गुड, इट्स अ वेरी हैप्पी फैमिली ग्रुप, सो इट्स नॉट लाइक यू कैन से ओनली प्लेयर, प्लेयर थे तब, आज हम फैमिली वाले हैं सब। एंड 83 इज ऑल्सो फैमिली, इट्स नॉट अ प्लेयर, इट्स अ फैमिली। सबसे ज्यादा जोक्स कौन भेजते हैं ग्रुप पे? आई थिंक संदीप पाटिल इन दिस, छोटी सी, उसने 500 पेंटिंग बनाए ड्यूरिंग दिस लास्ट टू इयर्स। व्हाट? 500 पेंटिंग का मेरे पास पूरी डिटेल है। हर दो दिन के बाद दो तीन पेंटिंग आती थी, या बर्ड्स की है, रिवर की है, ही डन दैट। और कीर्ति इस जब भी वो खाना बनाता है उसका है, संदीप जब भी बारबेक्यू करता है उसका है, रॉजर बिनी लिव इन कर्नाटका वाइल्ड लाइफ, कभी भी वाइल्ड लाइफ होती है तो वो डाल देता है। तो आई थिंक हर एक प्लेयर का अपना अपना एक। आप अपनी गोल्फ की डालते हैं? मैं कम डालता हूँ मैं क्योंकि गोल्फ सारे प्लेयर नहीं समझते, तो इसलिए मैं गोल्फ को एक साइड पे रख देता हूँ। आई विल नेवर फॉरगेट दिस विजुअल। मैं रणवीर स्टेज पे थे जब इनॉग्रेशन हुई थी फिल्म की। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ऑल ऑफ यू हैड मेट टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस, अब सब थे। आई थिंक सनी भाई नहीं थे एंड रवि वाज नॉट देयर बिकॉज़ दे वर ऑन टूर और समथिंग। यस, पर आप लोग सब थे वहाँ पे, और हमने डिसाइड किया, मैं और रणवीर बैक स्टेज थे, हमने कहा किस ऑर्डर में बुलाएंगे लोगों को, तो हमने कहा कि चलो बैटिंग ऑर्डर में बुला लेते हैं। ठीक है, तो हमने पहले श्रीकांत जी को बुलाया, उनको जब बुलाया तो दूसरे की बारी नहीं आई, जरूरत ही नहीं है जरूरत, क्योंकि उन्होंने बातें करनी शुरू करी। अच्छा, मैं ये विजुअल कभी नहीं भूलूंगा, यू वर सिटिंग ऑन द टेबल इन द फ्रंट, आप हंस हंस के ऑलमोस्ट टेबल के नीचे जा चुके थे, आप स्लाइड हो गए थे अपने, आपका मुंह लाल हो गया था, आपने फेस कवर किया था अपना, क्योंकि ही इज समथिंग एल्स, बिकॉज आई थिंक सम पीपल आर ग्रेट स्टोरी टेलर। और मैं ये हमेशा मानता हूँ आपके पास अगर अच्छे कहानी बताने वाले हैं ना, देन यू डोंट नीड एनीथिंग। हमारे पास संदीप पाटिल था एंड आपके पास कीर्ति आज़ाद था, श्रीकांत को तो वैसे ही जैसे वो बैटिंग करता था वैसे ही उसकी स्टोरी होती थी, ही इज़ सो फिजिकल एंड आई ऑलवेज सेज चिका अब तो बस कर कि इतने हम बड़े हो गए, अभी भी बेस्ट पार्ट अबाउट हिम आई लव हिम, कि वो आज भी मिलते हैं ना उसी तरीके से मिलता है जो आज से 40 साल पहले। वो आके पहले आपको पंच करेगा, बच्चा हाउ आर यू, एंड वी ऑल सेड चिका रिलैक्स, बट आई थिंक दोस टाइप ऑफ कैरेक्टर इन अ टीम इज इम्पॉर्टेंट। मैं एक बार गया था लॉर्ड्स पे शूट देखने के लिए इनकी, तो रणवीर मिला, उसने कहा जस्ट वन मिनट, उसकी शूटिंग नहीं चल रही थी, उसने कहा आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। उसने अपने वो जो दांत के पीस लगाए थे राइट, फिर जो लेंसेज लगाए थे, और उसने एक तो मैं ज़रा मुड़ा, मैंने टर्न करा, आई किड यू नॉट, एक बार मेरे मुंह से पाजी नहीं यार, बहुत अच्छी डिटेल। और एक मेरे को डिटेल बहुत बढ़िया लगी, द एक्टर हु वाज प्लेइंग रॉजर बिनी, आपको पता है उसको उन्होंने बम पैड्स दिए थे राइट, और सारी टीम उसको स्ट्रेस बॉल बना के करती थी, उस बेचारे को हैरेस कर दिया था पूरे शूट पे, उसको जब भी देखो जाके उसके बम को स्क्वीज करके आगे निकल जाते थे। मैंने कहा देखो ये फिल्म में नहीं, ये फिल्म में आप अगर दिखा दो ये रियल में नहीं हुआ था। नहीं ऐसा नहीं था, बट उसके बारे उसकी बम के बारे में चर्चा हमेशा होती थी ऐसा नहीं कि नहीं होती थी, कबीर ने बहुत अच्छी तरह स्टोरी पेश की और बताया। हम पिक्चर स्क्रीन पे देखते हैं और कहते हैं हाँ यार अच्छी है, ये इतना रीटेक है,
बट जब इतनी करीब से ये मूवी देखी तो हमें रियलाइज हुआ कि कितनी मेहनत थी. करेक्ट. उस दिन के बाद रिस्पेक्ट फॉर फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम हियर टू गॉन देयर. आपने इनफैक्ट इनकी ट्रेनिंग भी देखी थी. एक उनका बूट कैंप हुआ था धर्मशाला में सब एक्टर्स का. इनफैक्ट आपने जाके एक्टर्स को और डायरेक्टर को सबको बोला कि भाई इतनी मत ट्रेनिंग करो, इंजरी हो सकती है. बिकॉज देखिए एक्टर हैं और एक्टर अगर आप 6-6, 8-8 घंटे जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, पैशन हो सकता है जी. आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो फिटनेस ला रहे हैं जो सारी उम्र आपने किया नहीं है, तो आपको डर लगता है कि ये इंजरी हो सकती है. कि हमें मालूम है कि रणवीर वाज इन दिल्ली मेरे साथ, वो 4-5 घंटे जून जुलाई में वो बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग कर रहा था, और मैं डर रहा था कि देखिए थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है. लेकिन जब उनका पैशन देखा कि टुवर्ड्स दैट मूवी, एंड आई सेड हैट्स ऑफ टू देम. सो विच ऑफ दोज, मतलब इतना क्रिकेट दिखाया उन्होंने, इतना सबके एक्शन है, सबके यू नो शॉट्स हैं, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, स्क्वायर कट, सब कुछ है, कौन सा वाला आपने देखा और आपने कहा यार ये तो डिट्टो है? किसकी बात करें, संदीप पाटिल की बात करें, उसके बेटे ने रोल किया, रॉजर बिन्नी का, हमारे लिए तो अननोन लड़के थे. पर अगर हम आंखें थोड़ी सी बंद करके देखते हैं ना, ऐसे लगता है ये वही है, रॉजर बिन्नी है, कोई ऐसा नहीं लगा कि वो नहीं. रणबीर देखो हिमसेल्फ, कभी कभी लाइक माय डॉटर सेड दैट, डैड फर्स्ट टाइम वो बस से निकला तो मुझे एकदम झटका लगा कि ये क्या हुआ है. सो जब इतनी पास से डिटेलिंग की हो तो फिर आपको लगता है यू हैव टू रिस्पेक्ट. पर आपके लिए भी सो ओवरवेलमिंग व्हेन यू वाचिंग इट द फर्स्ट टाइम. एक तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिर आपकी मेमोरीज ट्रिगर हो रही हैं, उसके इमोशन आ रहे हैं, फिर आप एक्टिंग भी देख रहे हैं, स्टोरी भी देख रहे हैं, तो मे बी दैट्स व्हाई द फर्स्ट टाइम पूरा अब्सॉर्ब ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि सो ओवरवेलमिंग. मूवी का बेस्ट पार्ट क्या था कि कबीर की टीम ने इकट्ठे किसी से बात नहीं की. ही कम टू मी, मेरे से बात की, वो दूसरे प्लेयरों के पास गया, सबसे उसने अलग अलग टाइम स्पेंड किया. आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड किया कि दिस इज द क्रस्ट ऑफ दैट मूवी. कि मदन ने क्या बोला है, इवन सुनील वॉल्सन ने क्या बोला है, बल्लू डन अ ग्रेट जॉब बीइंग विद देम फॉर द कोच ऑफ द एक्टर्स. हाँ, नो, एंड 3 महीने वो लंदन में 24 घंटे उनके साथ, एक एक डिटेलिंग उसको पता थी, हमें नहीं याद थी. एंड आई थिंक संदीप पाटिल वॉज ग्रेट, दिलीप इंसार की वो चोट लगती है उसके बाद उसके हाथ से बैट निकलता है, रियल फोटोग्राफ आती है, सो यू रिमेंबर ऑल दैट एंड यू सेड, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहते ओ गॉड आई रिमेंबर दैट सीन. कबीर ऑल्सो टोल्ड मी द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू सेड टू हिम द फर्स्ट टाइम यू मेट हिम. यू सेड दैट आई वॉन्ट दिस फिल्म नॉट टू बी अबाउट मी, आई वॉन्ट दिस फिल्म टू बी अबाउट माई टीम. एंड ही सेड my respect for Paaji went up even higher because here we were 35 years later and he was still thinking as captain of the team for every member of the team. Yeah, I think jab pehle shuru mein hui charcha mere pe movie banani hai, maine kaha mere ko nahi banani. Jab unhone bola nahi 83 pe movie hai, to I said then it should be on 83, it's not on me. Then I understood ki yaar Ranveer is playing, captain ka part zyada hoga. पर आई सेड ये मूवी शुरू से आखिर तक 83 के ऊपर होनी चाहिए. अगर उसके ऊपर है देन देर इज़ नो प्रॉब्लम. और जब बनी तो इतना अच्छा लगा कि एवरीबडी प्लेड देयर रोल सो वेल, इट वाज़न्ट ऑन मी, इट वाज़ 83. ये जो आप कह रहे हैं कि द टीम यूज्ड टू ऑल ट्रैवल टुगेदर व्हेन दे वर शूटिंग, दे वर ऑल्सो डूइंग दैट. उसमें कोई नहीं था कि ये नया एक्टर है, ये सुपरस्टार एक्टर है. वो लोग ने ऑफ फील्ड भी वही चीज़ें करी. एक तो जो दिख रही है वो तो ठीक है, जो चीजें नहीं भी दिख रही थी उन्होंने वैसी करी जैसे आप लोग करते थे. दे बिहेव्ड लाइक ए टीम. द बेस्ट पार्ट इज आज से 20 साल बाद भी ये लड़के मिलेंगे ना एक दूसरे को, दे विल टॉक अबाउट दिस जर्नी व्हाट वी हैड. बट इट वॉज ब्यूटिफुल बिकॉज यू गाइज ऑल गॉट टूगेदर फॉर द प्रीमियर. आप सब मुंबई में थे, इतना बड़ा प्रीमियर, इतने सारे लोग, आई थिंक 1000 लोग थे शायद वहां पे, सो मच लव पॉजिटिविटी. पर आप लोग ने जब फिल्म एक साथ देखी और उसके बाद सारी रात आप लोगों ने पार्टी करी,
How was that night for all of you? I think winning the World Cup, that's all I can say. कि जब आप World Cup जीत के लाए, पर इधर डर नहीं था. Yeah. उधर वर्ल्ड कप जीते थे, डर था पैसा कौन देगा. इधर था कि हम वो मूवी देख के आए, चलो होटल में जाते हैं, कोई ना कोई तो पैसा दे देगा. एंड जितने थे सबके लिए पार्टी हमने की वहाँ पर, एंड दे वर डांसिंग टिल 3 o'clock or 4 o'clock. आई स्टिल रिमेम्बर. एंड रणवीर वॉज देयर, देयर फुल टीम वॉज देयर. इट वॉज लाइक सेलिब्रेटिंग 83 वर्ल्ड कप. Who got the most emotional in that screening? I think कोई ऐसा नहीं था जो नहीं था. So I think it was wonderful to meet my team again, and it was all the love for them. Paaji, thank you so much. No. Thank you so much to you and your entire team for all that you've done for Indian cricket fans, and thank you for sharing this story so that we can all relive it. No, I want to say thank you on behalf of my team to Netflix ki you taken this responsibility to show to the rest of the country or to the world, whoever can see it. आपके माध्यम से अगर बाकी लोग देख सकते हैं तो I would say हमारी कहानी आप तक आएगी through Netflix. I want to say thank you. Before even you see that, thank you very much. Thank you so much, Paaji. Thank you.